झरोखा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी सिल्वर वेडे वाले पाठ पर अध्ययन चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हम इसी कहानी पर आधारित उनके प्रश्नोत्तरों को कर चुके हैं और इस बार करेंगे हम उनके जीवन परिचय से अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तो आइए मनोहर श्याम जोशी जी का जीवन परिचय ज्ञात करते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी कहानीकार के रूप में अपनी विशेष प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में रखते हैं। वे बहुत लंबे समय तक साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे विख्यात साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रहे हैं, परंतु इससे भी ज्यादा उनकी जो ख्याति है, लोकप्रियता है, वो एक दूसरे कारण से है। और वह दूसरा कारण है कि उन्होंने दूरदर्शन के लिए, टीवी के लिए बहुत सारे धारावाहिकों की कहानियां लिखी हैं। आपको याद होगा, एक धारावाहिक आता था बुनियाद, दूसरा आता था कक्का जी कहन, तीसरा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चौथा हम लोग, हमराही, जमीन आसमान। ये सारे के सारे जो धारावाहिक हैं एक समय बहुत प्रसिद्ध हुए थे, घर घर में इनकी गूंज थी, इन्हें देखने के लिए लोग उस समय का समय की पाबंदी करते थे। तो इन सब के लेखक हमारी इस कहानी के कहानीकार मनोहर श्याम जोशी जी ही थे। उन्होंने सिनेमा और दूसरे अन्य माध्यमों के लिए भी पटकथा लेखन का काम किया है। उनकी कुछ फिल्में बहुत विख्यात हुई, जैसे कि हे राम, अप्पू राजा और भ्रष्टाचार। तो ऐसे कहानीकार के द्वारा लिखी गई कहानी को हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं और उनकी संवेदनाओं से परिचित होते हैं। यह था हमारे कहानीकार मनोहर श्याम जोशी जी के जीवन के बारे में एक हल्की सी रूपरेखा। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमें उसका उत्तर देते हुए खुशी होगी। आपके प्रश्न आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, हम उनके उत्तर भी आपको दे रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद।